सही अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फी गैंग टू इनदर व्यू ऑफ। इस मरतबा की ईद फुल बोरिंग थी, ऊपर से सीनियर के पिछले साल तक हमें ईदें मिल रही थी, लेकिन इस मरतबा हमें ईदें देनी पड़ गई। और उसके अलावा हमने ईद कुछ इस तरह करके गुजारी, बस सुबह उठी, चाय वगैरह बनाए, लड्डू वगैरह खा, बस फिर सो गई। लेकिन अचानक मुझे ईद के तीसरे दिन एक पार्सल आता है, जिसने डेटोल की तरह मेरी 99.9% बोरियत को एकदम से खत्म ही कर दिया, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था अ गिफ्ट फ्रॉम फ्री फायर टू रूफी भाई। अब वो पार्सल फुल्ली पैक था। ऊपर ऊपर से हाथ मारकर अपनी इमेजिनेशन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसके अंदर कोई डब्बा है। क्योंकि ईद का माहौल था, मेरे जहन में डायरेक्टली ख्याल आया कि कोई परफ्यूम वगैरह होगी, लेकिन जैसे ही मैंने पार्सल को ओपन किया तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्योंकि उसके अंदर था ये वाला मोबाइल। अब अगर पूरी कहानी का खुलासा निकाले तो ये मेरी ईद है फ्री फायर की तरफ से। तो मुझे इस मोबाइल के बारे में कक नहीं पता, क्योंकि अभी तक ये मार्केट में भी नहीं आया। तो अभी इसको खोलकर इसकी जांच पड़ताल करते हैं। तो वेलकम टू अवर सस्ती अनबॉक्सिंग। तो आज हम, अबे ये क्या है, इतना सख्त कागज है, पत्थर से बनाया क्या? तो हमने इसके नुकीले हिस्से को हटा दिया, अब डालते हैं गुफा के अंदर अपना हाथ। तो सबसे पहले हमारे हाथ लगा है कवर, जिसका मतलब है आपको नया मोबाइल लेने के बाद एक्स्ट्रा 500 रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। उसके अलावा इसके अंदर है दरामद हुआ है एक कार्ड, जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं आपको भी कुछ नहीं बता सकता। अरे मैं क्या बताऊँ, मैं क्या बताऊँ। और चार्जर के साथ साथ एक अजीबो गरीब किस्म की सुई भी दरामद हुई। और अब बढ़ते हैं उस मवाद की तरफ जिसको देखने के लिए आप लोगों को है बेसब्री से इंतजार। तो सबसे पहले उतारते हैं इसकी कमीज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गर्मी में कड़े हुए टकले की तरह किस कदर इसकी स्क्रीन चमक रही है। और अगर पिछले जानिब की बात करें तो फुल व्हाइट व्हाइट है, पश्तो में बोले तो तक स्पिन 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 तक स्पिन स्पिन। तो हमारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, अब हम करेंगे इसका अंदरूनी खुलासा, जिसके लिए मुझे इसे कुछ टाइम के लिए यूज करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से चंद मिनटों बाद। A few moments later. तो मैंने इसको कुछ टाइम के लिए यूज कर लिया एंड मुझे ये रियलाइज हुआ कि डेवलपर्स ने इसको बनाते वक्त ज्यादा जोर गेमिंग की तरफ दिया, क्योंकि इसमें हीलियो G85 प्रोसेसर लगाया गया, ऊपर से 90Hz रिफ्रेश रेट। और मैंने इसमें एक ऑप्शन देखा जो मैंने पहली मरतबा किसी एंड्रॉइड में देखा है, इसका नाम है अल्ट्रा टच, और उसमें भी अलग अलग से ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपको एडिशनल सेंसिटिविटी देते हैं। 5000 mAh की बैटरी और उसके साथ कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, मतलब जो लोग बैटरी को ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग से ऑप्शन दिए गए। और 128GB स्टोरेज उसके साथ 6GB रैम जो एक्सटेंडेबल है 11GB तक। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये माल अभी तक मार्केट में नहीं आया, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी और रिसर्च की इस पर, और मुझे ये पता चला कि 9th मई से इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप प्री ऑर्डर करके इसको बाय करते तो आपको इसके साथ साथ ब्लूटूथ के ईयरबड्स भी मिलेंगे फ्री। प्राइस भी मैंने गूगल करके देख लिया जो की है 27K। तो खैर बस आज के लिए मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि फ्री फायर में नया इवेंट आ रहा है लेस इज मोर, जिसका मतलब होता है कि आपके पास जितने कम डायमंड्स होते हैं उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलता है डायमंड्स परचेज करने पर। हो सकता है जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसी दिन आ जाए या फिर उसके बाद आ जाए। और आपने जो दो चमकीले चमकीले बंडल्स देखे ये भी गेम में आने वाले, और न्यू फिस्ट की स्किन भी है, दो तो मिसी शॉप के जो कि आपने लाजमन सी बातें देखे होंगे। तो अपना एक बंडल ये रहा जो ब्लू किस्म का था वो ये है, और जो दूसरा वाला है वो जॉन सीना की एक न्यू सीरीज अभी कुछ टाइम पहले चली थी उसका शेप दिया गया इस बंडल को, ये चेक करो उसकी तरह लग रहा है। और ये है वो फिस्ट वाली स्किन जो कि मेल बॉक्स में। तो खैर आज के लिए इतनी, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल लगना, बाय। यार मेरा खराब, मेरा इंटरनेट ग्लिच कर गया। अरे यार ये नहीं यार वो दूसरा है, पूरा स्पार मार गया। मुझे बहुत 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 मजा आएगा, बहुत 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 मुझे बहुत